अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका दोस्त चौधरी तैमूर अली और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी नॉलेज। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ घंटी के आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी से पहुँच सके। दोस्तों, जो आज की हमारी वीडियो है वो है कि हाउ मैनी अथॉरिटीज़ इन कराची, कराची में टोटल कितनी अथॉरिटीज़ काम करती हैं। दोस्तों, आज हम उन अथॉरिटीज़ के बारे में नाम बताएंगे और वो कितनी हैं वो बताएंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियो आपको ज़रूर मिलेंगी। दोस्तों, कराची में टोटल 13 अथॉरिटीज़ काम करती हैं। फर्स्ट पे है SPCA, ये पूरे सिंध को डील करती है विद कराची, कराची को भी डील करती है क्योंकि कराची सिंध में आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कराची को डील करती है वो है, फर्स्ट नंबर पे है वो है KDA, दूसरे नंबर पे है MDA, KDA कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, MDA मली डेवलपमेंट अथॉरिटी, LDA लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, DHA डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, DHA जितनी भी DHA सोसाइटीज़ के नाम पे DHA लगता है वो सिर्फ DHA ही उनको डील करता है, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी उनको डील करती है। दोस्तों, जो हमारी फिफ्थ नंबर वाली है वो है रेलवे, रेलवे हाउसिंग अथॉरिटी, रेलवे हाउसिंग अथॉरिटी जितनी भी रेलवे के अंदर सोसाइटीज़ आती हैं वो रेलवे उनको डील करता है। जो हमारी KPT है, कराची पोर्ट ट्रस्ट, जो दूसरी उससे अलावा पोर्ट कासम अथॉरिटी, जो भी पोर्ट कासम की तरफ अथॉरिटीज आती हैं, जो भी पोर्ट कासम की तरफ सोसाइटीज़ आती हैं उनको पोर्ट कासम अथॉरिटी डील करती है। उसके बाद कच्ची आबादी, कच्ची आबादी जितनी भी आपको कुरंगी की तरफ, उरंगी की तरफ जितनी भी आपको कच्ची आबादियाँ नज़र आती हैं वो उनको सिर्फ कच्ची आबादी अथॉरिटी डील करती है। उसके बाद है सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग इस्टेट, जितने भी कराची में इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं वो उनको सिंध इंडस्ट्रियल ट्रेडिंग इस्टेट डील करती है। उसके बाद हमारी आ जाती है कैंट एरिया, जितने भी सरकारी एरियाज़ हैं, मलीर कैंट हो गया, कैंट एरियाज़ हो गया, ये जितने भी कैंट एरियाज़ हैं सरकारी के अंडर सोसाइटियाँ आती हैं इनको कैंट एरियाज़ अथॉरिटी ही डील करती है। उसके बाद मिलिट्री लैंड है, उसके बाद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, जितना भी काम है कराची का, सेल डीड का, जो भी है लीज़ का, ट्रांसफ़र का, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही करता है और इसकी जितने भी कागजात की वेरिफिकेशन है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ही आपको करके देता है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का दूसरा नाम मदर बोर्ड ऑफ अथॉरिटी भी है। आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगी, आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को शेयर करें। इस तरह की मज़ीद वीडियो आने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके मेज़बान चौधरी तैमूर अली को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। और बताता चलूँ, अगली वीडियो में हम लीज़ और सब लीज़ के बारे में आपको बताएंगे। हमारे साथ ही रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।